हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डिंपल रानी में आपका स्वागत है मेरा न्यूज ब्लॉग में। और कंचन मैडम का फिर आज वीडियो लेकर आई हूँ। कल का जो वीडियो था पार्ट वन में, आज पार्ट टू में है। तो वीडियो को जानेंगे कि कैसे इस केस को सॉल्व करती है मैडम। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहना आप लोग। अगर मान ले पैसा दिए, लेकिन ये बोल रहा है शादी, ये तो खैर नहीं हुआ है इसके साथ। तुम इसके साथ सोए कब ना? ठीक है ना, तुम नाबालिग हो कि कोई तुमको जबरदस्ती उठा के लेके जाएगा? तुम्हारी मर्जी थी तभी तुमको लेके गई है। ठीक है, ये बहुत गलत है। मानते हैं 100 में 100 गलत है, तुम भी 25% गलत हो। तुम गलत है, हम ये पता नहीं क्या कर दी थी। और इसको एक चीज आप इसमें देखिएगा, मेरे पास अगर 2000 आता था ना, इसके घर में भी हम रहते थे, जो बात है क्लियर। अगर मेरे अकाउंट पे 2000 आ गया कहीं से, मम्मी से मंगवा लिया कहीं से, एकदम प्यार से करती थी। आओ ना बैठो ना, ऐसे वैसे ठीक है। जिस दिन मेरे पास पैसा है नहीं है, उधर रहो ऐसे करती थी। दूसरा बात, चुप रहिए, चुप रहो ना, तू जाने ऐसे घर उधर बैठा ना, हम ही जानेगा जो सच है जो सच है। दूसरा बात, इसका पैसा का सब कुछ, पैसा का इसका होता है, गलत मत बोलो। एकदम चुप रहे, नहीं नहीं चुप रहे, पति भी निकाल दिया घर से, बाल बच्चा भी निकाल दिया है कहीं के। सुने ना, पति नहीं निकाला, ये सब झूठ बोल रही है। सुनो, देवन के साथ भी रहती थी तो पति ऐसे ही बोलता था। तुम इसके साथ सोया कि नहीं सोया, हमको ही जवाब दो। हां सर, सोया ना तुम इसकी जिंदगी, ये 1000 को गए बल्कि कोठा पर गए, तुम सोया कि नहीं सोया, हमको ही जवाब दो। हां सर, सोया तुम, गलती माना कि हम गलती किए हैं? ठीक है, तुम अब दूसरा शादी करने जा रहा है। ठीक है, तो शादी तो इससे किए ही नहीं, तो इसमें शादी का काम है। तुम अपना शादी कर रहा है ना कहीं भी? शादी तो करेंगे इसके फैमिली, हाँ रिलेशन में रही, सबका तो शादी हो रहा है। जो का नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारी मैटर कर रहे हैं, तुम्हारा मैटर मेरे ऑफिस में है, जिसका मैटर आएगा हम आएंगे। इसका लाइफ तो पूरी बर्बाद हो गया, इसका पति घर से निकाल दिया, इसके बच्चे छीने, पति से बात ही नहीं है, पति से बात जो बोलेगी वो बोलेगा पति। हम बात करना चाहते ला, नंबर ला पति का, हम अभी बात करते हैं। उसके घर वाला सबको फोन कर करके मेरे पति को गाली दिया, सबको टोटल वो छोड़ बोल रही है ना, वो अभी माथा फोड़िए, वो पति बना रहे हैं। एक मिनट, वो पति बोलेगा इसका। सुनो ना, तुम 12 बजे कूद कूद के भागती थी देवर के घर, ठीक है, देवर के घर रात में 2 बजे साड़ी पकड़ के लटक के निकल जाते थे। इसका यही धंधा है, सब जगह यही धंधा है, ठीक है, ऐसे करते थे। और पति को जैसे, पति सीधा साधा, पति में कोई वो नहीं है कि हाँ पति गलत है, उसको जैसे बोलेगी वैसे, पति को थोड़ा बीमारी है, उस चीज का ही तो फायदा उठाया, उस चीज का ही तो फायदा उठाया, ब्लैकमेल किया, पति को मारने तक का तो धमकी दिया, पति को मार देंगे, तुम पैसा इतना दो हमको, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम मेरे साथ रहेगी, सब चीज तो तुम करा। पैसा का बात है ना, सब यही है, टेंशन फोन लो, फोन देखो, इसमें मेरा पूरा पता करने दिखाई दे रहा है। फोन मांगे, फोन फोटो है इसका, मेरा फोन तुम कैसे ले लो, अरे फोन कैसे, बीबी है आप तो हैं जो बोल रहे हैं, तो फिर आप तो हैं जो बोल रहे हैं। अगर वो पैसा देते 10,000 करोड़ सात सौ हजार देखिए उसका, सब हम यही ना है, यही है आप, तब चुप क्यों बोल रहे हैं? तुम लाइक भी नहीं है, तुम तो तुम लाइक भी नहीं है। पति की कैसे देखिए, देवर के साथ भी आती थी, ये देखिए इसका देवर मास्क लगा के आता था, देखिए हम निकाले हैं नवादा बिहार, उसको भी लेके आती थी जब मन करे, जिसको मत जिसके साथ भी रहना है। और यहाँ से बात हम बताते, मौसी का बात बताते, ठीक है, पहले उसमें फोन रखिएगा, मौसी के हमको ले गई कि भाई है मौसी, इसको रखो, ठीक है, वहाँ रहे, उसको ये बोल दिल्ली नरेला जगह एक है नरेला में, उसके बाद ये बोलती थी ना कि 40,000 भेजे का औकात में तो गाली देता है, ये मैसेज किए 40,000 भेजो, वो तो मैं अपना खुद का कैश जिसको दी हूँ, सिर्फ वो मांगी हूँ, वो तो सिर्फ मैं, मेरे पास भी है। तू लिखा हुआ दिखा रहा है, मैं तो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी तुमको। इसका ना भाई कोई सपोर्ट में है, इसका कोई भी नहीं है। और उस दूसरी बात, मौसी कहाँ रखवाई हमको, उसके बाद ही बोलती थी काम नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से, चल जा काम नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से। हम बोले कि हमसे काम नहीं हो पाएगा, हम पढ़ाई करते हैं काम नहीं हो पाए, चप्पल वाला कंपनी में हमको रखवाई, चप्पल ढोते थे माथा पर, तुम्हारी माँ खुद बोली कि हमको बेटा के मेरा काम करवा दो, मेरा बेटा यहाँ मर जाएगा, मेरा बेटा को ले जाओ, तुम अपना आरिया बर्तन सब लेके गया, सब कुछ लेके गया, पंखा तक लेके गया, जहाँ तुम रखवाया तुमको वहाँ तक तुम्हारा करना क्या है। एक मिनट सुनो, एक सेकंड और सुन लीजिए, इतना भाषण मैं सुनिए, थोड़ा सा वहाँ का मैटर सुन लीजिए। मौसी के यहाँ रखवाई, काम करवाई, ठीक है, मौसी के घर के सामने एक दुकान वाला था लड़का, ऐसी रखवा देगा, तुम्हारा मन होगा तब रखवाए, सुनिए ना, ठीक है हम भी गए, हमसे जब बात करती है, ये हमारे साथ है, ये रिलेशन में, सामने वाला को नंबर दी लड़का को, फिर उससे ही बात करने लगे। कब की, किससे?
उसका नंबर लाओ और तुम उसको यहाँ पे सामने बात सुनो तो दोनों चुप रहो। उसका नाम राहुल चुप रहो चुप रहो भटक रहे हो तुम चुप रहो। इसके साथ क्या उस पर आपने क्या किया तुम इसके साथ क्या किया दूसरे का नाम मैसेज देती थी खत्म कहानी तुम इसके साथ क्या क्या है हमको वो चीज जानना है दुनिया से ये क्या की नहीं की उनसे लेके जाते थे जहाँ जहाँ हम भी जाते थे ऐसा नहीं कि हम क्या नहीं है जबरदस्ती नहीं को लेकर जाए हैं तुम इसके साथ रहा अपनी मर्जी से ठीक है कोई जबरदस्ती नहीं हुआ। अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि तुम्हारे कारण इसकी ज़िंदगी हुई है बर्बाद ठीक है घर से भी गई नहीं घर से गई नहीं सब जगह से गई से नहीं गई हम बताते हैं ना मैडम इसका भाई मार के भगाया था रंडी उंडी बोल के लड़ाई करने आई थी घर पे मार के भगाया इसका पति भी भगाया फिर से रहे एक मिनट चुप रहो पति का नंबर कॉल कीजिए थोड़ा हम फोन से कर रहे हैं फोन से तो मोबाइल नहीं मन तो लगाए तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया देखिए फिर वो गलत बोल रहे आप दूसरे का बात जब इधर सुनो जब पूरा यहाँ पे गंदगी फैला हुआ है तो फिर क्या कर रहे हैं आर्य राम कृष्ण एक बात और हम सुनो मैडम ये बोलते हैं कि राज भारती से मेरा एक बच्चा है पूछिए तो हमसे इससे कितना दिन हुआ मिला हुआ पूछिए ना एक बात एक साल से डेढ़ साल और इसका छोटा बच्चा है 6 साल का बच्चा चाहिए था 6 साल बच्चा चाहिए था तुमको बच्चा चाहिए था मेरा बच्चा तुम लेके गए क्या नाम है पति का सुजीत कुमार कितना कम है ठिया बात हम अपना से करें क्या आवाज आ रही है ना दूसरा फोन से कीजिए आदि पहले पढ़ ही ले आई कैसे हस्बैंड को घर में पूरा सब कुछ बोल दिया कि हमर से अच्छी करवाई यही करवाई है और माँ बेटा दोनों सब कुछ बोल दिया कि बदल दिया है जगह से और मेरा हस्बैंड हमको साथ देगा साथ देगा चुप रहो हम डर से नहीं गए फिर बोला कि नवादा हो जब नवादा में देखे जाके तो 10-15 लड़का लेके घूम रहे थे ठीक है क्या नाम पता हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो हाँ हेलो सुचित कुमार बोल रहे हैं हाँ जी बोल रहे हैं आपकी पत्नी का क्या नाम है राधा कुमारी आपकी पत्नी है कि किसी और की है आप कौन बोल रहे हैं हम मानव अधिकार से कंचन मैडम बोल रहे हैं अच्छा मानव अधिकार से कंचन मैडम हाँ जी हाँ नमस्ते मैडम बोल हाँ नमस्ते यहाँ पे मैटर आया है कि आपकी वाइफ का किसी और से अफेयर था अफेयर ये लोग के मेरे को कुछ पता नहीं था जी कैसे क्या धमकाया क्या फुसला के कैसे किया है मेरे को कुछ भी नहीं पता था ठीक है मैं कुछ नहीं जानता हूँ हमें जब कहानी पता लगा तो मेरे फोन खोल दिया अब मैं इसको क्यों रखूंगा मैं मेरे को जब पता ही कहानी नहीं था ठीक है वो यहाँ रह के भी लड़का गया है हम सोचे की चलो भाई गाँव के बगल के है अच्छा आपके घर में भी रहा है वो लड़का का नाम क्या है राजकिशोर हाँ अभी उसी के घर में आके हम बैठे हुए हैं और आपकी वाइफ भी आई हुई है धोखा दिया मैं इतना भरोसा किया था जी कि हमको एकदम दया लग रहा है कि इतना जलाने किया है मेरे बीवी इतना खुश रहती थी बच्चा उच्चा खुश बच्चा उच्चा सब लड़ रहा है तीन तीन छोटा बच्चा है मेरा समझे उनको एकदम लग रहा है तीन तीन बच्चा मेरा रो रहा है तीनों के स्कूल के पढ़ाए लिखाएंगे बताइए अभी सब बच्चा छोटा है मेरा मैं ड्यूटी छोड़ के बैठा हूँ अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में खुद हूँ ड्यूटी में जी बताओ क्या आप अपनी बीबी को अभी रखिएगा मैं बीबी को क्यों रखूंगा जी मैं ना रखना चाहता हूँ मैं ऐसा काम किया कैसे रखेंगे हम किस दादा आपके पर रखेंगे बताइए अगर मान ले हम इसको समझा के बॉन्ड पेपर पर सब चीज लिखित लेकर एक वार्निंग देकर आपके बच्चे के लिए आपके बच्चे के परवरिश अच्छा हो तो आप रखिएगा परवरिश अच्छा क्या करेंगे जी आपको तो पूरा बदनाम कर दिया सब जगह बदनाम हो गए क्या करें हम इतना कुछ हम क्यों रखेंगे रखेगा वही जो शादी किया हमको पता नहीं था वो लड़का कहाँ गया मेरा फोन कर रहा है उससे बोले गलती नहीं किया है और उसके बाद मानने को लड़का वो तैयार नहीं है और वो कहता है सब तुम्हारी बीवी गलती है तुम्हारी बीवी मेरे शादी किया एक से शादी हो जाता है बताइए आपके घर में जाकर रहा था वो लड़का घर में भी रहा है अब ये दो लड़के क्या बात हुआ जब तक आप बात मेरे को बताओगे नहीं कैसे पता लगेगा सही बात है तो ये लोग रहा और मेरे को ये काफी दिन से लोग पता नहीं कब शादी किया नहीं किया
जब हो रखा था शादी, वो लड़का को पता है सब वही रास्ता हमारा आने जाने। बिल्कुल गलत सही बात है, लड़का को जब पता है कि तीन बच्चे की माँ है, शादी शुदा हो रहा थे, तो उसके करीब टच आना ही नहीं चाहिए था, आकर के जिंदगी बर्बाद किया ही है। जानबूझ के जाल में फंसा करके, दड़ा धमका करके उसके साथ ऐसा किया। वो मेरे साथ लड़के भी गया, मेरे मारने के लिए धमकी दे रहा था। कलर पकड़ा तुम्हारा भी है थोड़ा सा, दोनों ने हाथ पकड़ लिया। बच्चा सब को क्या बोला, ऐसे बताया कि हमारे पापा मर गया। बच्चा सब को बोला तेरे पापा मर गया, मैं वहां से पापा बताइए, हमको बच्चा भी नहीं बताता था, बच्चा बताया गया तब ना, डरा दम जाके रखता था ये लोग, बताइए। ठीक है, अच्छी बात। बच्चा कैसे बताएगा मेरे को, बच्चे को मारने की धमकी देगा, बच्चे को जो बताओगे वही सिखाएगा ना, बताएगा। बच्चा आज आपको बता रहा है राज मामा बहुत ज्यादा राज, आपको एक बीवी नहीं संभाला गया था, बीवी बताएगा, हमको क्या पता है, बताइए। जब आप हम दिन भर देखते रहेंगे, मैं अपना ऑफिस जाऊंगा, मैं किसी को देखते रहूंगा, आप जो बोलिएगा, चाहिएगा, गांव के कोई स्थान आता है जो भी। दौलत कमाने के साथ साथ अपना हर लेडी, हर जेंट्स को अपनी बीवी पर भी एक नजर ध्यान देना चाहिए, समझे? ये आपके लिए नहीं, सबके लिए बोल रहे हैं। वैसा था नहीं, पूछे लड़का पता नहीं। सुनिए ना, आपके बीवी ऐसा भी बच्चा नहीं थी, दूध नहीं पी रही थी, तीन बच्चा की माँ थी, औसत था नहीं, सताई तब ना सता। हम लोग के शरीर में क्यों नहीं कोई सट जाता है, सुनिए ना, एक मिनट, औरत के शरीर में कोई सटाएगी तब ना सटेगा। उसको ये समझ नहीं कि हम तीन बच्चा के माँ है, मेरे तीन बच्चे हैं, हम अपने बच्चे पर ध्यान दे। उसे सोचा, मेरे को जब पता हुआ बात, अभी भी पता, लड़का फोन किया। आपकी बीवी देखे 99% गलत है, 1% लड़का गलत है, तो आपकी बीवी भी गलत है, ये जान लीजिए। समाज के लिए एक कलंक है ये आपकी बीवी, समझे? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये तीन बच्चा और इतना अच्छा बच्चा है, आप बोले पढ़ाने लिखाने में दिक्कत हो रहा है, बताइए। हस्बैंड है, जॉब करते हैं, उसको छोड़ के 4 दिन के लौंडा के चक्कर में फंस गए। अच्छा, ये क्या सोच के उससे फांसी थी कि तीन बच्चा का माई के वो अपना लेगा, शादी कर लेगा, मर जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा, पर नहीं करेगा मैडम, क्यों करेगा भाई? वो लड़का भी जैसे जान रहा, तीन बच्चा है, तो क्यों तुम इसे फंस रहे? यही बात ना बोले कि गलती दोनों का हुआ है, लड़का भी गलत है, लड़की भी गलत है, सजा तो दोनों को मिलेगा, दोनों जेल जाएगा, सुनिए, अभी दोनों जेल जाएगा, दोनों, आपकी बीवी भी जेल जाएगी और लड़का भी जेल जाएगा, क्योंकि गलती दोनों है। समाज की गंदगी हम फैलने नहीं देंगे। दोनों दूध पीता बच्चा नहीं है, दोनों बालिक है, समझे? अपना मस्ती के कारण, अपना एंजॉय के कारण बच्चे का लाइफ बर्बादी लोग कर दिया। तो बताओ, मैं खुद दुखी हूँ, मैं क्या करूँ, तीन तीन बच्चे कैसे पालूंगा, नौकरी करूंगा या बच्चा पालूंगा मैं? अब क्या करिएगा, अब आप सोचिए, ठीक है, रखिए। सबसे पहला बात मैंने सुनी, मंगा कौन पति को पहले अभी सिखाइए सब बात, क्योंकि इसके चुप चुप, अरे बात सब सिखाइए, पता चले कि कौन सा पति बता।